आप लोगों के सहयोग से मैं अपने मार्केटिंग डायरेक्टर साउथ केपी राहुल सर को आप लोगों के सहयोग से बुलाना चाहूंगा स्टैंडिंग ओवेशन में। दोस्तों, यह मौका केपी राहुल सर के लिए आज के बाद मुंबई वालों को नहीं मिलेगा। मुंबई वालों को अगर मौका मिलेगा उस तरह से जैसे आज के डेट में सिद्दीकी सर के लिए मिल रहा है, मिश्रा सर के लिए मिल रहा है, अजय सिंह के लिए मिल रहा है, किसी और के लिए मिल रहा है। तालियां कमजोर पड़ रही हैं, इस तालियों पे मैसेज नहीं मिलेगा। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जिनके पास भी मोबाइल है सारे समझदार लोग हैं, मुझे नहीं लग रहा मुझे बताना चाहिए, मैं याद दिला रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कि अपने मोबाइल को पर्सनल हो तो साइलेंट मोड पे कर लीजिए, नहीं तो अगर मलेशिया जाना है तो फ्लाइट मोड पे कर लीजिए। जिनको मलेशिया जाना है फ्लाइट मोड पे कर लें, जिनको नहीं जाना है वो खुला रखें, तो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं तो फ्लाइट मोड पे रख लेता हूँ, जाना है डिसीजन आपका। थैंक यू वेरी मच। आज जैसे डॉक्टर अजय सिंह जी बोल रहे, शायद मुंबई में ऐसा मैनेजमेंट शायद आखिरी होगा, तो आज कुछ ऐसा खुलासा, देखिए कुछ ऐसा खुलासा जो आप लोगों को भी सोचने लगे कि हाँ डीएक्सएल का ताकत कितना है, कि एक मैनेजमेंट में रहते हुए भी उस तरफ आना चाह रहे हैं जहाँ पे हम सभी बैठे हैं। सर, एक जोरदार ताली आप सभी के लिए आज डीएक्सएल का प्रोडक्ट क्या है। आरजीजीएल स्वर्ण ना, मैं हर बार कहता हूं डीएक्सएल का प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम, और डीएक्सएल का फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये बेहतरीन से बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। डीएक्सएल का प्रोडक्ट अब याद रखिएगा क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया है, मुझे इतना अट्रैक्ट किया है इस 19 साल का मैनेजमेंट का जो सक्सेसफुल जर्नी था उदय छोड़ के सेकेंड इनिंग्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया है। आप समझिए इस चीज का ताकत कितना है। बहुत बेहतरीन सैलरी, सक्सेसफुल था फर्स्ट इनिंग्स में, अब मैं जा रहा हूं हमारा सेकेंड इनिंग्स जो इससे भी बेहतरीन सक्सेसफुल बनाना जा रहा हूं। एक बड़ा ट्रांजिशन, और इस ट्रांजिशन के लिए आपको चाहिए बहुत सारे फैक्टर्स, है ना। अब इस सक्सेसफुल बनने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा चीज। दोस्तों, डीएक्सएल में सक्सेसफुल होने के लिए, और या फिर यह बोलना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, आपके पास तीन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बर्निंग डिजायर। सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि हां मुझे वहां पहुंचना है, वो ऐसा जिद होना चाहिए कि मुझे वहां पे पहुंचना है। वो जब तक नहीं आएगा आपका वो जर्नी स्टार्ट नहीं होता है। वो बर्निंग डिजायर आपको लेके आना है, और वो लेके आने के लिए आपको तीन चीज करना है। आपको बार बार यही बोलना है, आपको अपने मन से बार बार यही बोलना है, रिपीट करना है कि मुझे वहां पे पहुंचना है, मुझे एक सक्सेसफुल करोड़पति बनना है डीएक्सएल में। बार बार बोलना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार बोलना है। बस ये जो बर्निंग डिजायर है आपके अंदर, वो बुझने देना नहीं है आपको। जैसे आग कैसा होता है, आप आग जलाते हो थोड़ा बुझते बुझ जाता है, राइट। वो बुझना देना नहीं, जब बुझते वक्त वापस दोबारा आपको लकड़ी डालना है, वो बर्निंग डिजायर सबसे पहले आपको लेके आना है।
क्योंकि जब तक तो वो नहीं आएगा आपका नेक्स्ट जर्नी शुरू वहीं पे पहुंच जाएगा। वो शुरुआत आपको बर्निंग डिजायर अंदर लेके आना है। और सेकंड चीज जो आपको लेके आना है वो है आपका बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास, आपका ऐसा विश्वास। हम मैंने एक एग्जांपल एक दो जगह दिया है, कुछ लोग सुना होगा। हम लोग सब लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट जानते हैं, तो जब क्रिकेट जानते हैं थोड़ा सा ये भी आप लोग ये मालूम होगा कि दुनिया में सबसे पहले डबल सेंचुरी किसने मारा था? सचिन तेंदुलकर, राइट? लगभग 1971 से ये अपना लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, 60 ओवर का स्टार्ट, फिर बाद में 50 हो गया, फिर 20 भी हो गया। 1971 से ये जर्नी शुरुआत हो गया है, लेकिन वो महसूस होने के लिए लगभग 39 ईयर्स, लगभग 40 साल मान लीजिए, 40 साल लग गया कि किसी को कि एक लिमिटेड ओवर्स में वनडे में कोई डबल सेंचुरी भी मार सकता है। और ये सचिन तेंदुलकर ने 2010 में करके दिखाया। इसके बीच में ये सोचिए बिलीव, तब तक तो सबको लगता था कि एक वनडे के अंदर एक व्यक्ति को 200 छोड़ के 100 रन ही बहुत होता है, चलो तो 100 रन बना लिया, हाँ काफी हो गया। लेकिन उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर ने बनाकर दिखा दिया, एक बिलीफ सिस्टम पैदा स्टार्ट हो गया। जब सचिन तेंदुलकर जब 200 बना रहे थे वहां पे, ये मतलब लगभग 29 साल के बाद, 39 ईयर्स के बाद सचिन ने मारा था, तब तो सबको लगा इम्पॉसिबल था। लेकिन सचिन तेंदुलकर जब मारा नॉन स्ट्राइक में, मालूम है कौन था? वीरेंद्र सहवाग जी। बोले जब सचिन मार सकता है मैं भी मार सकता हूं। 20 महीने में उन्होंने दोबारा सेकेंड जो डबल सेंचुरी बना दिया, 20 महीने। पहला देखो पहला कितना टाइम लग गया, लगभग 40 साल। लेकिन जब एक एग्जांपल सेट हो गया है, बोले जब ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं। तो ये बिलीफ सिस्टम ही आपको ड्राइव करता है। इस बिलीफ सिस्टम में जब आप अगर सचिन की बात करेंगे, वीरेंद्र सहवाग की बात करेंगे, फिर तो लाइन लग गया, 13-14 लोग लाइन से बनाते। अब रिसेंटली गिल है ना, अपना जो एकल डबल सेंचुरी बना दिया। ये देखिए वो जो फर्स्ट एग्जांपल सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन सेकंड वाला फिर जोश में नहीं बनाता है। कहने का मतलब यही है, अगर 20-22 साल में प्रोफेसर 18 घर और अभी बड़ा सा प्रॉपर्टी दुबई में बना सकता है, तो हम भी बना सकते हैं। और जब बना सकते हैं अगर सिस्टमेटिक करेंगे, तो हमें 18 साल 20 साल 22 साल नहीं जरूरत नहीं है, आप 5-6 साल 6 साल 7 साल के अंदर भी बना सकते हैं। ये विश्वास आप में होना चाहिए जो वीरेंद्र सहवाग ने किया है। 40 साल वाला उसने कितने में घटा दिया? 20 महीने में। विश्वास, बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम मुझे भी ड्राइव किया है, मुझे बहुत ड्राइव किया है। और इस बिलीफ सिस्टम के साथ में मैं वापस आपके बीच में वापस उतरूंगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जीरो से शुरू करूंगा। अब बिलीफ सिस्टम के साथ में आपको देखो, एक तो हो गया आपका बर्निंग डिजायर, और एक तो हो गया आपका बिलीफ सिस्टम। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपको जरूरत है वो है आपका स्किल, जो डीएक्शन में जो जरूरत है वो आपको बहुत जरूरी है। स्किल्स, स्किल ऑफ द ट्रेड, ये कोई सब इंडस्ट्री में जो स्किल ऑफ द ट्रेड, सिर्फ आपका बर्निंग डिजायर, सिर्फ आपका बिलीफ से नहीं होगा, आपको जो ट्रेड का स्किल भी होना बहुत जरूरी है। सो डीएक्शन के अंदर जो भी आपको जो स्किल्स है, भले वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, भले वो मार्केटिंग प्लान है, भले वो कंपनी का बैकग्राउंड है, आपको ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। आपको कंपनी सपोर्ट सिस्टम जानना जरूरी है। दिस इज व्हाट, ये तीन चीज अगर आपने मास्टरी कर लिया ना, एक तो बर्निंग डिजायर आपको लेके आना है, मैं कितना करूंगा, मैनेजमेंट कितना करेंगे, आपके अपलाइन लीडर्स कितना करेंगे, ना ना ना, आपको खुद लेके आना है, आपको वो आग लेके आना है कि ये जिंदगी मेरा है, मेरे बच्चों के लिए मुझे वो मर्सिडीज खरीदना है, मेरे फैमिली के लिए मुझे एक वर्ल्ड टूर लेके जाना है। ये जिंदगी पता नहीं अगले जन्म हो ना हो, पता नहीं, लेकिन एक जिंदगी जो मिला है उसको यूज करना है। और आप सभी ब्लेस्ड हो कि आपके साथ डीएक्शन एक बेहतरीन ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो अभी बढ़ते जा रहा है। ये लगभग 3 decades, मतलब लगभग 3 साल में कितना ग्रोथ देख लिया। मैंने 2004 में ज्वाइन कर लिया, तब कंपनी बड़ा था, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा बन गया। सिद्धिपेट में लगभग 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे, अब रिसेंटली
उड़ीसा में सिर्फ गैनोडमा उगाने के लिए, सिर्फ गैनोडमा उगाने के लगभग 23 एकर्स। अब देखिए कंपनी का ग्रोथ देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। अपना साउथ अमेरिका में गयाना बोल के एक कंट्री में, वहां पे 1,00,000 acres, 1,00,000 acre किसको बात करते हैं, वो परचेस किया है। तो एक ऐसा समय में जब कोरोना, बाकी सब कंट्रीज, बाकी सब कंपनीज जो नीचे जा रहे थे, ऐसा समय में डीएक्सएन ने परचेस कर लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, दस सही वक्त का डीएक्सएन में जो मजा, जो जिस तरीके से आपका काम करने, वो अभी है। द राइट टाइम टू डू डीएक्सएन बिजनेसेस नाउ। आप उसको डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म पूरा यूज करिएगा, एक पूरा तरीके से समझने की कोशिश करेगा कि स्किल्स में ऐसा क्या चीज है जो मुझे भी मोटिवेट किया है। मैं कुछ अद्भुत शक्ति, कुछ अद्भुत, मैं कुछ सुपरमैन नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि मैं मैनेजमेंट से हूं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा विंग्स दे गया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्लान है? ना 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 ना, सेम प्लान, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट्स। अब यहां पे मैं करूंगा भी वही चीज है, मैं जो पहले सिखाता था एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपको, वही चीज करने वाला हूं। वही चीज जिसपे मैं बताता था कि बार बार हम लोग अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट आपको सिखाता था कि वो छह स्ट्रक्चर याद है, स्ट्रक्चर की बात करते थे, छह स्ट्रक्चर, सात मिनिमम छह स्ट्रक्चर। तो मैं भी वही करने जा रहा हूं, मिनिमम छह स्ट्रक्चर, लेकिन मैं सिर्फ छह पे नहीं रुकूंगा। सपने बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं। मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 20-20 खेलूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस 2020 खेलने के लिए आपको लगता है कि अगर मैं 20 लोगों को मैं चुनूंगा और वो जो जो मान जाएंगे वो मेरे साथ रह जाएंगे लास्ट तक? ना 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 ना, नहीं रहेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज खेल आता है यहां पे, याद रखिए। अगर मुझे 20 लोगों को लेके जाना है और आगे जाके उनको भी क्राउन एम्बेसडर बनाना है, देखो मैं मेरे बात नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं मेरे 20 लोगों को मैं क्राउन एम्बेसडर बनाऊंगा। अगर मुझे एक चीज करना है तो मैं 200 लोगों से बात करूंगा। कितना लोगों से? 200 लोगों से। ये पल से लॉ ऑफ एवरेज आपको याद करेंगे। आप उसमें कोई आपको हाईली एजुकेटेड, एज फैक्टर कुछ भी नहीं है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। जहां पे आप इस चीज पे आप अप्लाई करोगे, 10 अपन बात करेंगे, एक आदमी जुट जाता है, भले वो प्रोडक्ट की बात हो, भले वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग जुड़ जाएंगे। अगर 200 लोगों से जब आप फ्रंट लाइन में जुड़ जाएंगे तो वहां पे आपको 20 लोग तो मिनिमम रहेंगे। और आपका अगर कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है तो शायद 50% भी काम कर सकता है। 200 में से 50% कितना हो गया? 100 लोग भी काम कर सकते हैं, 100 लाइंस भी हो सकते हैं। अभी आपको जो मार्केटिंग प्लान का स्ट्रेंथ बता रहा हूं, मैं बहुत एनालाइज करता रहता हूं स्ट्रेटजीज की, कि मार्केटिंग प्लान कितना ताकत है। अगर 6 लोग जुड़ जाते हैं तो एक पांचवा स्टेज में लगभग कितना पैसा हो सकता है? 6 लोग महीने में 1,000 पीवी शुरुआत में करते हैं, और जब स्टार एजेंट बन जाते हैं 3,000 पीवी करते हैं। मतलब जब स्टार एजेंट नहीं रहते हैं तो 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब स्टार एजेंट बन जाते हैं एक लगभग 10,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं। पांचवा स्टेज में मालूम है कितना पैसा मिलता है? 9,22,000 से क्रॉस हो जाता है सिर्फ पांचवें स्टेज में। अच्छा चलो ये बताइए, ये तो हो गया 6 लाइंस, ये तो बहुत सुन लिया। 20 लाइन की बात करते हैं हम लोग, 2020। आपका भी आपका जो डीएक्सएन ताकत आपको मालूम होना चाहिए ना, कितना होता लगता है। लेट अस सी कि हम लोग कितना कैलकुलेट किया, कितना अपने अपने होमवर्क किया है। मालूम है अगर 20 लोग जुड़ जाते हैं जहां पे सिर्फ 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स शुरुआत में लेते हैं, और बाद में जब सारे जन बन जाते हैं तो 10,000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं सिर्फ 20 लोग। मैंने टारगेट 200 में से 20 निकाल रहा हूं। अगर ऐसा अनुमान लगाता कि 6 लोग ये 20 लोग काम करते हैं, वो पहले महीने में लगभग 2,000 रुपए मिलते हैं, दूसरे मंथ में वो बढ़ते जाता है, वो लगभग ये एक 40,000 के आसपास, 42,000 के आसपास होता है। तीसरे मंथ में वो लाखों में पहुंच जाता है, वो लगभग 12,00,000 पहुंच जाता है। ये 12,00,000 जब रहते हैं मालूम है, यहाँ पे कोई डायमंड्स नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट बोनस की बात कर रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ डेवलपमेंट बोनस, सिर्फ स्टार एजेंट लेवल पे आपका 12,00,000। ये आपको कैलकुलेट करके देखिएगा। चौथी लेवल में मालूम है कितना हो सकता है? अनुमान है ताकत डीएक्सएन का 1,50,00,000 क्रॉस हो जाता है। और पांचवी लेवल में जब कैलकुलेट करता, मेरा भी सर्टिफिकेट घूम गया,
मैं जिसको मैं जिसका साथ में वेक कर रहा था उसका भी बीपी हाई हो गया, वो पानी पीने लगे, उठने लग गया, बैठने लग गया, मैं भी बैठने लग गया, उठने लग गया, क्या हो गया, क्या हो गया ना, पांचवें लेवल में। मालूम है क्या फिगर था, मैंने कल बताया था, 43 करोड़ क्रॉस हो जाता है, 43 करोड़। मैं यहां पे 1 रुपया 10 रुपये लाख की बात नहीं कर रहा हूं डीएक्सएन के पास जो सिस्टम में है, मैं यहां पे करोड़ की बात कर रहा हूं। और मेरे बिलीफ सिस्टम ऐसा कहता है अगर बुद्धिमान सलीम बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं, हम भी बना सकते हैं, आप सभी बना सकते हो। वो विश्वास, वो बिलीफ सिस्टम होना है, बिकॉज सिस्टम इज द सेम, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी भी सेम है। दोस्तों लग जाओ, इससे बेहतरीन, इससे बेहतरीन कंपनी आपको नहीं मिलेगा, जो मुझे भी मजबूर कर दिया। सोचिए, मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि हाँ मुझे रह के डीएक्सएन में रहते हुए नहीं हो सकता, मैं जॉब करते अपना मैनेजमेंट में रहते हुए नहीं कर सकता, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज रूल का है। तो वो छोड़ के मैं 2 तारीख अगले महीने 2 तारीख को ज्वाइन करूँगा, 28 तारीख मेरा लास्ट दिन रहेगा, और 2 तारीख को मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जीरो से शुरू करूंगा। ये ताकत मैं बहुत बता सकता हूं डीएक्सएन में, ये ताकत आपको क्या है, ये सोने नहीं देगा आपको। ये डीएक्सएन में ऐसा ताकत है, जब आप ये सब चीज कैलकुलेट करते हो, सोचते हो, आपको सोने देना चाहिए भी नहीं, आपका नींद उठ जाना चाहिए, आप राइट ट्रैक पे हो। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा नींद उठ गया है, डीएक्सएन का पैसा देके मेरा नींद उठ गया है, आप सही ट्रैक पे हो। तो आपको उस विश्वास को आपको बनाना है, उस बर्निंग फायर को आपको लेके आना है। क्या तैयार है आप लोग? Yes. तैयार है? यस yes. मुझे जब मैं भले मैनेजमेंट में नहीं रहूंगा, लेकिन रहूंगा आप लोगों के बीच में ही, मुझे भी खबर मिलेगा कि मुंबई महाराष्ट्र कैसा कर रहा है। अब मैं चाहता हूं यहां पे जो बेहतरीन तरीके से जो मुंबई लीडर्स ने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, डेवलपमेंट कमेटी, ये कमेटी के साथ में जो पूरा टीम है, इनका ग्रोथ देखना चाहता हूं, क्योंकि उतना ताकत है डीएक्सएन के अंदर और मुंबई के अंदर तो बहुत ताकत है, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत पैसा है यहां पे। यहां पे उनको सिखाइए पैसे के बारे में कि पैसे को पैसा कैसे बनाना है, और आपको जब बहुत पैसा आएगा तो आपको री इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को लेके, डीएक्सएन को पैसा लेके आप बहुत सारा शोरूम्स खोल सकते हो। कितना तरीका है पैसे को और इन्वेस्ट करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो मिला है, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत सारा स्टेटस में पहुंच गया है, आपको तो बस एक बार दिमाग में बिठा के एक बार प्लान करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, जो मैं बता रहा हूं जो उसको रिस्ट्रक्चर करना है। मुझे तो जीरो से शुरू करना है। ताकत सोचिए, इसके ताकत कितना है। आप लोगों को एक बेहतरीन बेहतरीन आपका जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोलता ना वो मिला है। और ये जो कंपनी में बोल रहा हूं ना, डॉक्टर लिम, एक जोरदार ताली उनके लिए, एक जोरदार ताली है। उनका जो मार्केटिंग प्लान का जो ताकत है वहां तक पहुंचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये चीज बिल्कुल मुमकिन है। अगर मैंने 43 करोड़ बताया है, अगर उसका 50% भी ले लिया, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं हो जाएगा? 25% लाइफ टाइम अचीवमेंट। और ये तो मैं एक टाइम की नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहे तो भी फिर उसको रोक नहीं पाएंगे, अब वो तो आते जाएगा। क्या प्रोफेसर अभी मना करने से उसका उनका अकाउंट में बंद हो जाएंगे पैसे? नहीं होता है, दिस इज द ब्यूटी। आप अगर बोलेंगे भैया बहुत हो गया पैसा, बंद कर दो, नहीं चाहिए इतना पैसा, तो फिर भी आएंगे, डॉक्टर लिम फिर डालेंगे आपके अकाउंट में, हर 10 तारीख को 11 तारीख को फिर आएंगे आपके अकाउंट में। आपको आप समझ में नहीं आएंगे क्या करो क्या करो। इतना सारा एग्जांपल्स, पीआर राजीव, उनका इनकम भी अच्छा है, इनकम है। अब वो जब अपने बेटी का जो लास्ट अभी जन्मदिन मनाया था, मैं मिस फैला को भी बता रहा था, वो जन्मदिन पे मालूम है क्या गिफ्ट किया अपने बेटी को, 21 से 22 साल में एक एसयूवी कार गिफ्ट किया, एसयूवी। सोचिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ताकत, देखिए। वो जब दिखाते बोला, नहीं मेरे वाइफ के साथ, वाइफ के पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, मैंने सोचा अपने बच्चों को बेटी को भी दे दूंगा। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया उन लोगों ने, लेकिन उसका ताकत उससे बहुत ज्यादा है। मैं 7 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं। बहुत ताकत है डीएक्सएन के अंदर। अगर आप एनालाइज करके देखेंगे, इससे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान और कोई कंपनी में नहीं मिलेंगे।
इससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, अभी तो एक्सपांशन, प्रोडक्ट्स का एक्सपांशन बहुत आ रहा है। डॉक्टर सवेरा कल भी, कल हमारे साथ, परसों हमारे साथ कुछ ही में थे, तो सारे लीडर्स को कह रहा था कि डीएक्सएन का जो विजन है, एक सुपरमार्केट, सारे प्रोडक्ट्स डीएक्सएन में होना चाहिए, यही विजन है। और ये बहुत जल्दी होगा, जिस रफ्तार से चल रहे हैं ये बहुत जल्दी होगा। सो आप लोग मेरे साथ हैं इस जर्नी में, कि मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी है, ये पैसा बना है उस सिस्टम को, भरोसा रखा, बिलीफ सिस्टम, मैं बता रहा हूं उतना ही, बिलीफ सिस्टम, कि बुद्धिमान सलीम अगर बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, अगर प्रोफेसर बना सकते हैं तो आप लोग बताइए, अगर प्रोफेसर बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, अगर धर्मशाला बना सकते हैं तो यस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस बेहतरीन, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, एक बेहतरीन और कम समय में। आप सिर्फ 20 थैंक यू सर।